वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दी अपनी गलबात दा विशा है मन उत्ते कदे भी बिना मतलब दी कोई चिंता आ जावे, परेशानी आ जावे। कई बार हर एक इंसान नाल हुंदा है ना, कई बार सुबह सुबह उठते हैं, सवेरे उठते ही मन दे उत्ते कोई प्रेशर हुंदा है, कोई चिंता हुंदी है, पर समझ नहीं आउंदी किस वजह करके असीं परेशान है, मन बेचैन है, मन किसी दुचिती दे विच है, समझ नहीं आ रही होंगी। जदों अजिही हालत होवे तां उदों की करना चाहिए, इसे विषय दे विच आपां अज गलबात करांगे। ये एक नहीं तकरीबन हर एक इंसान जो अज दे युग विच जी रहा है उहदे नाल किते ना किते कदे ना कदे हुंदा है। जिस तरीके की जिंदगी आपां बतीत कर रहे हैं उहदे विच तां हर एक बंदे नाल तकरीबन हफ्ते विच एक दो दिन ते कईआं नाल सारा हफ्ता ही इसी तरह हुंदा है। उठद्यां बैठद्यां सौंद्यां हर वेले किसी ना किसी किस्म की कोई बेचैनी जी लगी रहिंदी है, कोई धड़कू जिहा लग्या रहिंदा है, समझ नहीं आउंदी, कोई खालीपन हुंदा है, किसी चीज़ की कमी पेशी हुंदी है। उदों समझ भी नहीं आउंदा किसी नूं कि करना की है, यह जिहड़ी बेचैनी है, यह परेशानी है, यह दिक्कत है, यह दूर किवें होवेगी। इसका सब तो पहला ते सब तो सटीक हाल तां यह है कि तुसीं सवेरे शाम दो वेले गुरद्वारा साहिब जाओ, सत संगत करो, साध संगत दे विच बैठो। ये नहीं उत्थे मत्था टेक के वापस भज ही आना है। बहुत सारे लोग इस तरह भी करते हैं कि जिवें बस हाथ लाउण गए होंदे है, इस तरह नहीं। उत्थे जाके संगत दे विच बैठना है, जे उत्थे ग्रंथी सिंह पाठ कर रहा है तां पाठ सरवण करना है, सुनना है, ते जे उत्थे कीर्तन चल रहा है तां घट्टो घट 15-20 मिनट कीर्तन लगातार सुनो। मन नूं इक अजिही शांति मिलेगी जिहड़ी सानूं दुनिया दे किसे होर कोने उत्ते किसे कीमत ते नहीं मिल सकती। सब तो सटीक हल इस बेचैनी दा दुचिती दा यही है कि गुरद्वारा साहिब जाओ, उत्थे जाके मत्था टेको, कीर्तन सरवण करो, उत्थे जाके गुरबाणी सुनो। जे कोई सेवा मिलती है, सेवा चल रही है, चाहे जोड़ियां दी है, चाहे बर्तना दी है, चाहे सफाई दी सेवा है, उहदे विच भी जरूर हिस्सा पाओ। इस तरह करन नाल जिन्नी साडी बेचैनी है, अशांत मन तुरंत शांत हो जाएगा। दूसरी चीज, जे तुसी गुरद्वारा साहिब नहीं जा सकते, कई बार कई लोगों नूं रात नूं होण लग पैंदी है जदों गुरद्वारा साहिब बंद होंदे ने, अपने पिंडां शहरां वाले इतिहासक गुरद्वारा साहिब तां हमेशा खुले होंदे ने, पर जेकर तुसी किसी पिंड विच किसी कस्बे विचों गुरद्वारा साहिब बंद है तां उस वेले आपां पाठ दी मदद ले सकदे हां। पाठ एक अजिही चीज है सानू दुखां तों भी बाहर कढ लैंदा है, सानू मुसीबतां तों बाहर कढ लैंदा है। बेचैनी बहुत छोटी चीज है पाठ दे अगे। कोई भी वेला होवे तुसी उसे वेले जपजी साहिब दा पाठ शुरू कर सकते हो। थोड़ा पाठ करना है, ज्यादा नहीं कर सकते तां चौपाई साहिब दा पाठ कर लो, सवैये पढ़ लो, जरूर तुहाडे मन नूं शांति मिलेगी, चाहे रात दा वेला है।